अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ जो व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरी बेटी का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आज मेरी बेटी कोरोना के बाद तो फर्स्ट डे जा ही रही है, लेकिन वैसे भी उसका फर्स्ट डे है। पीजी में उसको एडमिशन दिलाया है और उसका पहला दिन है, और कैसे गुजरा वो सब आप इसमें देखेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। हाँ जी, तो सबसे पहले तो पराठा बनाया, फिर उफी के लिए नाश्ता बनाया। तो पराठा बनाने के लिए मैदा लिया था 1 कप, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा घी डाल देंगे, इससे जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी सा बनता है। तो ये हमने चीज़ें इसमें डाल दी, 1 कप मैदा डाला, थोड़ा सा हसबे जायका नमक और 1 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा घी डाल के अब इस मैदे को हम अच्छे से गूंद लेंगे। पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, फिर इसमें पानी डाल के हम इसकी डो बना लेंगे। ठीक है, डो बनाने के बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सही हो जाए, और उसके बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे और पेड़ा बना के हम इसको रख लेंगे। ठीक है, बहुत ही मेरा आज फर्स्ट डे था, और फर्स्ट डे उफी को स्कूल भेजना था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन कि सुबह क्या क्या मुझे करना पड़ा, और बहुत तेज़ उफी का लंच बनाना, उफी के लिए नाश्ता उसकी मर्ज़ी का बनाना। उसने बोला मैंने तो अंडा पराठा नहीं खाना, तो फिर उसके लिए मैंने तो बना लिया था सैंडविच, अंडे वाला सैंडविच, उसको बहुत पसंद है, तो वो अंडे वाला सैंडविच मैंने उसके लिए बना लिया था, वो भी आपको दिखाऊंगी आगे। ठीक है, इसको अच्छे से गूंद के फिर हम इसको तकरीबन मैंने 5 to 10 मिनट्स के लिए अलग रख लिया था, और बाकी के काम में करना स्टार्ट हो गई थी। और उफी को उठाना भी काफ़ी मुश्किल काम था, सुबह सुबह उफी को जगाना, क्योंकि सुबह अगर उसको जगा लिया जाए तो वो उसका तो मूड ही ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उसको सुबह सुबह जगाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसको सारी रात प्रिपेयर करते रहे और वो उठ ही गई। ये देखें, बस उठना उसने नहीं है, कभी क्या कर रही है कभी क्या कर रही है, बहुत ही मुश्किल से इसको जगाना पड़ा। लास्ट उफी उठी गई है और आगे काउंटर पे मेरे पास बैठ चुकी है और साथ में एप्पल खा रही है। अब उसके लिए बनाना है अंडा सैंडविच, अंडे वाला सैंडविच उसने ऑर्डर किया है कि भाई मम्मा मैं ले रही है, अंडे वाला सैंडविच होना चाहिए, और लंच पे मेरे लिए चिकन टिक्का होना चाहिए, साथ में शामी कबाब भी बना दें और फ्राइज़ बना दें, मम्मा तो क्या ही बात है। खाती इतना नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स तो फिर करने हैं ना मम्मा से, आज स्कूल जा रही है, मूड भी काफ़ी अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का। जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा रोएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रोई भी नहीं, और बहुत मूड अच्छा इसका गुजरा, और स्कूल में भी दिन काफ़ी अच्छा इसका गुजरा। आगे आप लोग सारी वीडियो देखेंगे। ठीक है, अंडा फेंट लिया, इसके लिए मैं इसी तरह बनाती हूँ, अंडे में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल देती हूँ। ये घी मैंने डाला, ये देसी घी है, उफक के लिए मैं खुद देसी घी बनाती हूँ, थोड़ी सी वीक है मेरी बेटी तो बचपन से मैं उसको देसी घी ही खिला रही हूँ, मतलब दूसरा घी बाज़ार वाला मैं उसको नहीं खिलाती, खुद बनाती हूँ उसके लिए घी, और उसमें उसको अंडा और पराठा वगैरह मैं खिला देती हूँ। ये मेरी रूटीन है, ये रोज़ाना ही सुबह की रूटीन है, लेकिन आज ये ज़रा जल्दी बनाना पड़ रहा है, स्कूल जाएगी उफी। ठीक है, तो ये देसी घी में मैंने इसका अंडा डाल दिया है, इसके बाद इसका टोस्ट तैयार हो जाएगा।
हैं जी उफी का तो जल्दी जल्दी से टोस्ट बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाश्ता भी बनाना है, उन्होंने भी ऑफिस जाना है साथ, उनका भी नाश्ता बनाना पड़ा था, अपना भी उफी का भी, लंच भी, सारी बातें सुबह सुबह एक साथ करनी पड़ रही थी। और टाइम का बहुत ज़्यादा था कि बच्चे के लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बच्चा तो टाइम वाइम नहीं समझता, उसने तो वही करना होता है जो उसका दिल चाहता है। तो ये देखें उफी का टोस्ट जल्दी जल्दी से हम बंद कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने पराठे की तरफ जाएंगे, चाय बनानी है, पराठा बनाना है और उफी को फिर उसके बाद तैयार भी करना है। ठीक है, चलिए जी 5 to 10 minutes हमारी डो के कम्प्लीट हो गए थे। उसको दोबारा से हम, क्योंकि चीनी डाली हुई है ना, अगर आप पीस के डालेंगे फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने पीस की नहीं डाली थी, वैसे ही डाल दी थी, तो अभी भी उसमें नज़र आ रही थी। तो अभी 5 to 10 minutes बाद दोबारा से मैंने इसको ले लिया और दोबारा से थोड़ा सा गूंद लिया और बिल्कुल वो अच्छे से मिक्स हो गई चीनी इसमें। ठीक है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, 2 तकरीबन छोटे छोटे पराठे इसके बन जाते हैं। ठीक है, 1 कप मैदा अगर आप लेते हैं ना, उसके 2 तकरीबन आपके अच्छे खासे छोटे छोटे पराठे बन जाते हैं। तो मैंने 2 पराठे इसके बना लिए। ठीक है, तो ये देखें जी अब इसका बनाते हैं पेड़ा। ठीक है, इस पेड़े को बेल लेंगे। पेड़े को बेलने के बाद इसमें हम लगाएंगे घी, और घी लगा के हम इसका पेड़ा बना के तकरीबन वो भी 5 मिनट्स के लिए, थोड़े से टाइम के लिए अगर आप पेड़ा रखेंगे ना तो ज़्यादा मज़े का उसका बन जाता है पराठा। नाश्ता फिनिश किया? नाश्ता फिनिश किया? क्या करती क्या मोड़ा? दिखाओ जरा हाथ में, दिखाओ हाथ में। ये मुझे। फिनिश कर दिए उसने। चलो जल्दी से स्कूल भी तो जाना है ना। जल्दी से भी हैंड्स वॉश करें जल्दी।
सोप ले लें। आपको भी देखते हैं कि घर में कैसे हैंडवॉश करती है। उसके बाद मैं अपने सब मुंह भी वॉश करूंगी। क्या अच्छे से वॉश करना है? थोड़ी सी लगानी है ज्यादा। ओके बस अच्छा स्कूल में रहोगे तुम्हें? क्लास में रहोगे तुम्हें? मम्मा को मिस तो नहीं करेंगी? हाँ नहीं करेंगी। अच्छा मेरा प्यारा बेटा, चलो मैं स्कूल जाऊं। खुश है जाने के लिए स्कूल? हाँ मैं स्कूल जाऊं। आज आपका फर्स्ट है ना स्कूल में? टीचर अच्छी लगी थी आपको अपनी? क्लास अच्छी लगी थी? चलिए अब आपका स्कूल जाने का टाइम हो गया ना, चलो अब आप जाओ। ठीक है चलो चलो रेडी उफक उफक भाग रहे हो? जा रहे हो? बाय बाय। हाँ मास्क भी पहन लिया आपने, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। उठो ना स्कूल दिखाओ, क्लास की तरह उठ के दिखाओ, उधर जा के दिखाओ। अनएक्सपेक्टेड था, तो जब छुट्टी हुई तो हम उसको लेने गए तो बहुत ही उसका अच्छा मूड था। ये देखें बहुत ही खुश थी, कहती मम्मा मेरे तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और बहुत ही अच्छा उसका दिन गुजरा और बहुत खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र है। और उफी का डे जो था फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बड़ा ही परफेक्ट गुजरा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।